हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्यूलिन 3 रेस्पुल्स के बारे में, जो कि कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है, जैसे कि अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, निमोनिया हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ड्यूलिन 3 रेस्पुल्स जो कि सिप्ला कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 103 रुपए है, जो कि एक पाउच में 5 रेस्पुल्स अवेलेबल है, जो कि एक रेस्पुल 3 ml के पैक में अवेलेबल है और एक आपको 70 रुपए करीब मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं इपराट्रोपियम प्रोमाइड एंड लिवोसॉल्बेटामोल, और इधर को देखते हैं इपराट्रोपियम प्रोमाइड 500 माइक्रोग्राम, लिवोसॉल्बेटामोल 1.25 mg। दोस्तों ड्यूलिन 3 रेस्पुल्स जो कि इनहेलेशन के लिए यूज की जाती है और एडल्ट और चाइल्ड दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इस रेस्पुल्स को अस्थमा में यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको यूज करवाया जाता है। नंबर 3, COPD डिजीज में भी यूज की जाती है। नंबर 4, निमोनिया हो। नंबर 5, यह वायु मार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में भी मदद करता है। नंबर 6, खांसी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 7, घबराहट हो सांस लेने की कठिनाई की वजह से तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इन सभी कंडीशन में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। एडल्ट दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसको नेबुलाइजर मशीन में डालकर भाप लिया जाता है। दोस्तों ये बेटर रहेगा कि दिन में 2 बार यूज करें इसको, बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। और चाइल्ड को डॉक्टर अपने हिसाब से डोज फिक्स करते हैं कंडीशन को देखकर। इसको एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेल्फ यूज ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज करें, ये बातें ध्यान रखें आप। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ऐसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त ये दिखे, जैसे कि चेस्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मसल्स पेन, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो ड्यूलिन 3 रेस्पुल्स के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया और काफी अच्छा डिजाइन देखा गया इस रेस्पुल का। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि ड्यूलिन हो गया, बुडोकोट हो गया, अस्थलिन रेस्पुल्स हो गया, तो इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें MG भी आती है कई तरह के, तो डॉक्टर कंडीशन को देख कर पेशेंट को यूज करवाते हैं। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं ये सारे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।